वो रात में चैन की नींद सो रहे थे, तभी आधी रात मौत ने ऐसी दस्तक दी कि कोई संभल ही नहीं पाया और सात लोग हमेशा के लिए सो गए। दतिया में दीवार गिरने से दर्दनाक हादसे में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। हादसे में कुल सात लोगों की जान गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। दतिया में लगभग 36 घंटे से हो रही बारिश बुधवार गुरुवार दरमियानी रात दो परिवारों के लिए कहर बनकर टूटी। लगातार बारिश से रायगढ़ किले के नीचे के हिस्से वाली पुरानी दीवार ढह गई। इस दीवार से सटे दो मकान इसकी जद में आ गए। हादसे में दोनों परिवार के 9 लोग दब गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे में निरंजन वंशकार, उनकी पत्नी, बेटी, 2 बेटे और निरंजन की बहन और बहनोई की मौत हो गई है। 3 बजे हमको आवाज मिली, हम दौड़े 3:30 बजे, फिर वे 2 लोग घायल थे तो उन्हें हमने नकार कर 4 बजे हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो हम आने वाले कमरे में थे, तो हमने चिल्लाया तो आवाज आई है, तो हमें बचाओ बचाओ, तो मोहल्ले वाले आए बचाए। एकदम आवाज आई कि जाने के एकदम क्या वो सब लोग दब गए, तो मोहल्ले वाले दौड़े, तो मोहल्ले वालों ने हम दोनों बेटों को निकाले, पहले कि उनकी जो जिंदा है इनको निकालो, और वो बड़े बड़े खंडे थे पीछे वालों के, उनको निकाल नहीं पाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। बरसात जो अपनी 36 घंटे से लगभग हो रही थी, उसके कारण ढह गई और उसके नीचे एक वंशकार परिवार था, उसके 9 सदस्य थे, वो उसके नीचे दब गए। SDRF की मदद से 3 शवों को निकाला जा सका। इससे पहले भी सागर में इस तरह की घटना सामने आई थी, इसके बाद भी सबक नहीं लिया गया। अभी भी हादसे वाली जगह के आसपास 500 परिवार मकान बनाकर रह रहे हैं।